अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ जायके में। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बहुत ही यम्मी से चंकी चीज़ी पोटैटो डिस्क। तो ये हम ब्रेड से बनाएंगे, आलू से बनाएंगे, और बैटर हमने रेडी करके रख लिया है। फिर याद आया कि ये रेसिपी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो बैटर हमने बना के यहाँ रेडी करके तो रख लिया है, लेकिन किस तरह से हमने ये रेडी किया है वो आपको बताना चाहेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से पोटैटो डिस्क बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से वॉश करके और इसको आपने पतले पतले स्लाइसेस में कट करके बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में काट लेना है। जिस तरह से ये चंक्स दिख रहे हैं आलू के छोटे छोटे, इस तरह से आपने इसको चंक्स में काट लेना है। मैं आपको वापस से दिखाना चाहूँगी कि देखें कितने छोटे छोटे क्यूब्स हमने काटे हैं। तो इस तरह से ही आपने छोटे छोटे क्यूब्स को काट लेना है। काटने के बाद आप डाल दें इसको पानी में, और पानी में डालने के बाद फिर आप प्रिपेयर करें बाकी के मसाले। तो बाकी के मसालों में किस तरह से करना है, यहाँ पर हमने 8 कली लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्च। तो इन दोनों को अच्छे से क्रश कर लेना है, बिना पानी डाले आप इसको क्रश कर लें। और इसमें ये आधा किलो आलू में हमने 1.5 चाय का चम्मच या 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है, 1.5 टीस्पून ही हमने ये सेजोन स्पाइस डाला है। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो मिक्स हर्ब डाल सकते हैं, और आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शन में आप इसमें डाल सकते हैं, वैसे ऑनलाइन ये बआसानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने मेयोनीज ली है, तो मेयोनीज ली है हमने इसमें 1/2 कप। 1/2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, और कुछ हमने ये मल्टीग्रेन स्लाइसेज लिए हैं, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका ऐसा है, आपने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, क्योंकि ये 1/2 kg पोटैटो से हम बना रहे हैं। तो 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद क्रश किया हुआ आपने ये गार्लिक और हरी मिर्च ये डाल देना है, ठीक है। 1.5 से 2 मिनट आप इसको सॉटे करें, करने के बाद पोटैटो के जो चंक्स हैं वो आप इसमें डालें, और डालने के बाद थोड़ा फ्राई करें। 1.5 टीस्पून नमक डालें और थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लें, ठीक है। जैसे ही ये 1/2 डन हो जाएंगे आलू, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने शिमला मिर्च जो 1/2 रखी हुई है, उस 1/2 शिमला मिर्च के भी छोटे छोटे चंक्स जैसे हमने यहाँ डाले हैं काट कर, ऐसे ही छोटे छोटे चंक्स काट के डाल देने हैं। हरा धनिया भी अच्छे से वॉश करके और काट के रख लेना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इसमें शामिल करें, अच्छे से फ्राई करें। उसके बाद आप 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालें और 1.5 टीस्पून ही ये सेजॉन स्पाइस डालें, ठीक है। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें, जब ये बिल्कुल डन हो जाए, आलू गल जाए, तो आप इसमें 1/2 कप मेयोनीज मिला दें। हाँ, मेयोनीज मिलाने के बाद फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करके फ्लेम बंद कर दें और इसको बैटर को ठंडा कर लें। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बैटर ठंडा किया है, ऐसे ही आपने ठंडा कर लेना है। तो चलें अब डिस्क बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। हमें स्लाइस की डिस्क कट करनी है, और स्लाइस की डिस्क कट करने के लिए वेस्ट जो कॉर्नर्स हैं उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है, और यहाँ पर हम स्लाइसेस दे लेंगे। तो ये हमने मल्टीग्रेन लिया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, जो आपके पास हो। मेरे पास मल्टीग्रेन अवेलेबल है तो मैं इसमें ही बना लूँगी। तो ठीक है, एक धार वाला आप कोई भी ग्लास ले लें, या जो आपके पास अगर कटर हो तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सेंटर में रख के इसको अच्छे से और ज़ोर से प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ये आप देखें, ये डिस्क बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से ही हम सारे स्लाइसेस को इस तरह से डिस्क बना लेंगे, और ये हमारे कॉर्नर्स बचेंगे, इसको हम ब्रेड क्रम बना के यूज कर।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने चार क्यूब्स ग्रेट किए हैं और आप अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ प्रोसेस चीज़ ले सकते हैं, और अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, ये चीज़ भी हमारी ग्रेट हो गई, डिस्क भी रेडी है और बैटर भी रेडी है। तो अब इसकी फिलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज से निकालने के बाद जितनी ज़रूरत हो निकालें, उसके बाद वापस इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। तो ये हमारी रेडी है, अब शुरू करते हैं डिस्क बनाना। अब इसकी फिलिंग के लिए आप दो पीस ले लें, यानी दो डिस्क ले लें। एक डिस्क पर हम ये बैटर रखेंगे, आप अच्छे अमाउंट में रख दें सब साइड कवर करके। और ये बैटर इतना यमी होता है, इससे आप चाहें तो समोसे बना सकते हैं, ब्रेड रोल बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल शीट्स जो आती हैं उसमें इस फिलिंग को भर सकते हैं, और मिनी समोसा बना सकते हैं, बड़े समोसे बना सकते हैं। अब ये आपके अपने ऊपर है कि इस फिलिंग से आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलिंग तो हमने अच्छे से इसके ऊपर रख दी है, तो थोड़ा सा इसको फ्लैट कर देंगे ताकि इसके ऊपर हम रखने वाले हैं चीज़, और चीज़ को भी आपने इसके ऊपर चिपका देना है अच्छे से, सब साइड आप चिपका दें। ये जो आइटम्स होते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। स्कूल चाहे इवनिंग में स्नैक्स में आप ये बना के दे सकते हैं, बच्चों को इस तरह से बना के टिफ़िन में दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है आपको, अगर आपके पास ये सिजोन स्पाइस नहीं है तो आप जो पिज़्ज़ा स्पाइसेस होती हैं वो डाल सकते हैं। तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऑप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि आइदर दिस, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंज ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनके ये डिस्क रेडी हो गया। ये आप देखें, मैं पास से दिखाऊं आपको, ये देखें कितनी यमी सी ये बनके रेडी हुआ है, और काफ़ी फिलिंग होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये अफ्तार में भी बहुत अच्छी लगती हैं, फिलिंग भी होती हैं, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बड़े तो ऑफकोर्स खुश होंगे ही, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस तरह के आइटम से। तो ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने करना क्या है, हाथ को प्रेस करके स्लाइस रख के इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये हमने एक बना लिया, एक बना के और दिखा देते हैं, और हम बाकी के इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जब आप इसको रेडी कर लें तो इसको एक कपड़े से कवर कर दें, क्योंकि सेकने से पहले आप इसको कवर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो स्लाइस जो हैं वो सूख जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलिंग करते हैं एक और। मेयोनीज हमने यहाँ पर वेज यूज़ की है, आप चाहें तो एग मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं। जो फिलिंग ये हमने बनाई है, इसमें आप आलू की जगह चिकन यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रखें। और लहसुन तो काफ़ी इसमें गया ही है, तो अगर आप जब चिकन का बनाएं तो चिकन कीमा ले लें, और चिकन कीमा लेने के बाद उसमें जिंजर भी डालें साथ में, ठीक है। जैसे हमने कि ये 8 कली लहसुन लिया है, तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी इसमें साथ में ज़रूर ले लें, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट से ही जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा चिकन में। और ये आलू है तो इसमें खाली गार्लिक ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये फिलिंग हमारी हो गई अच्छे से। अब इसके ऊपर हम रख देंगे भर के चीज, भर के चीज हो गई। अब इसके ऊपर रख देंगे स्लाइस, और स्लाइस रखने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अगर इधर उधर से कहीं से बाहर निकले तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके अंदर कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से ही हम सारे डिस्क इसके रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, 8 डिस्क हमने रेडी कर ली हैं। आधा किलो आलू के बैटर में आप 16 पीसेस आराम से रेडी कर सकते हैं। तो हाफ बैटर अभी फिलहाल हमने रख दिया है, और यहाँ पर हमने 8 रेडी किए हैं। अब इसको हम आपको सेककर भी दिखाएंगे। इसको टोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा फैला हुआ पैन रख लिया है, ये डोसा पैन है, और यहाँ फ्लेम हमने चालू कर ली है। फ्लेम अब हम मीडियम कर लेंगे, और करने के बाद अब इसे हमने दोनों साइड से अलट पलट करके गोल्डन सा सेक लेना है। तो एक एक करके आप इस पर प्लेस कर दें। फोर फोर करके इसे हम सेक लेंगे, और साथ साथ जो ऑयल साइड में है इसको इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से गर्म होंगे तभी चीज मेल्ट होएगी। सब
सब साइड ऑयल को अच्छे से लगा दें, जो उस कॉर्नर्स पे इधर तवे के कॉर्नर्स पे ऑयल है उसे ही आपने इधर अप्लाई कर देना है। यहाँ हमने ऑयल डाला है, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर और ऑयल मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं, आई थिंक एक साइड से कलर आने लगा है। जी हाँ, ये देखें बेहतरीन सा कलर आ गया है। बस ऐसे ही सब टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसा ही सेक लेंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल है, कितना ईजी है ये, और बहुत ही यमी है। थोड़ा सा ये साइड ऑयल अगर कम लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डाल दें। डिस्क हमारी अच्छे से सिक गई हैं, ये देखें ये साइड से भी अच्छे से सिक गई हैं। बस इसे अब हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखा आपने कितनी यमी सी और ये कितनी गोल्डन, कितने प्यारे से कलर की ये डिस्क बनके रेडी हुई हैं। ऐसे ही अब हमने बाकी की सेक लेनी है। तो लीजिए नाजीन, ये चंकी पोटैटो डिस्क बनके रेडी है और ये देखें इसमें से मेयोनीज और चीज कितनी यमी यमी सी इसमें दिख रही है। ये देखें ये बहुत ही लाजवाब, बहुत जायकेदार बने हैं। चाहे आप इसे अफ्तार में बनाएं या किसी पार्टी में, या बच्चों के स्नैक्स या लंच बॉक्स के लिए आप इसे दे सकते हैं, इवनिंग में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो नाजीन इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज।